जय श्री नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती, ब्लॉग में अपना स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अनिता जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आज अपने दोस्तों को? बहुत आज एक और चीज़ दिखा रहे हैं, है ना? वो जब दिखाएंगे तब पता चलेगा। हाँ, सरप्राइज, आपके दिल्ली की फेमस चीज़ है। और दोस्तों, हम और उसके बारे में बताएंगे भी हम आपको, तो चलते हैं वहीं। हम भी चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। हम देखे मौज मस्ती करना, आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से करना। तो चलो, पहुँच गए अपनी लोकेशन पर हम लोग। अनिता और मैं ही दोनों मस्त है, तो दोनों मस्त पे घूमते रहते हैं। भगवान की मस्ती तो मस्त खुली छूट है, मस्त राम मस्ती में आग लगे मस्ती में और खुली छूट है। आराम से घूमो, खाओ, भी ऐसे करो मित्रों, चार दिन की जिंदगी है, जियो ना, जियो इसको, जियो। घर वालों की परमिशन है तो जियो, घर वाले भेजते तभी आए। चलो ठीक है, तो दिखाते हैं आपको आपको यहाँ की रौनक, चहल पहल, भीड़ भड़ाका। ये देखिए दोस्तों, दूर से ही पहले हम टिकट लेंगे यहाँ का। ये देखिए सीनरी, हरियाली हरियाली के बीच में काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए ना। टिकट लेने जा रहे हैं, हम भी लेते हैं टिकट। दिल्ली का कुतुब मीनार दिखाते हैं आज आपको। दिल्ली का कुतुब मीनार जो दिल्ली से बाहर है, वो देखो कुतुब मीनार जिन्होंने नहीं देखा है, और आना यहाँ देखने के लिए। फिर कुतुब मीनार दिल्ली की एक ये भी फेमस जगह है कुतुब मीनार। और दोस्तों, इसकी लोकेशन ना मेहरौली के पास है ये, तो हम लोग भी आज कई सालों में आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? आए हो तुम पहले? हाँ, लेकिन कई सालों में आए होंगे। मैं भी कई सालों में आ रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर आई थी जब हम लोग छोटे। ये देखो फिर, और अब बच्चे हो गए, आप तो बच्चे की बच्ची है। बच्चों के बच्चे हैं वो। और मैं खुद बच्चों के बच्चे हो गए और मैं बच्ची बन गई। अब बस मजा आ गया ना, बाकी का जो जिम्मेदारी खत्म कर दी, अब मैं बचपन में जा रहा हूँ। गेट एंट्री दिखा, मशीन में टोकन डालना तब जाएगा। हम जाएंगे महिलाएं वाली लाइन में, ये महिलाओं की लाइन है ये। या दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ की लोकेशन भीड़। ये देखो दोस्तों, पहचानो, दिल्ली का कुतुब मीनार जो कहते हैं ना, यही है वो दिल्ली का कुतुब मीनार, और हमारे घर के बिल्कुल पास ये पार्क। सुंदर लोकेशन है, बहुत सुंदर सी। अभी आपको ना कुतुब मीनार की खासियत बताऊंगी, क्या है इसके अंदर नहीं जाने देते हैं, पहले जाने देते थे, नहीं था पता आपको? नहीं, जाने देते थे, कुछ हुआ यहाँ पर इसलिए जाने नहीं देते हैं। अच्छा। वो आपको पता नहीं, मैं बताऊंगी, चलो कुतुब मीनार के पास जाके, ठीक है? स्टोरी थोड़ी बहुत मुझे पता है इसकी, तो मैं अभी आपको जैसे मैं देखूंगी वैसे मैं आपको भी दिखाऊंगी और अनिता भी दिखाएगी। और कितनी भीड़ है, कौन कौन दिख रहा है, हर एक प्रगति के लोग हैं यहाँ पर। पास में जाके दिखाऊंगी, भी दूर से दिखा। देखिए ये देखिए दोस्तों, पास में आके दिखा रही मैं आपको ये। तो और किसको सुनाऊं, अनिता को सुनाती स्टोरी, ऐसे कुतुब मीनार को दिखाते हुए। अनिता, कुतुब मीनार आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, जो भी दिख रहा है इसकी स्टोरी है ना। पहले यहाँ अंदर जाने देते थे, एक ने क्या हुआ कि इसके ऊपर जाके ना कूद मार दी, कहते हमने भी सुना है, पता नहीं शायद सही हकीकत बात है। हाँ, तो इसके अंदर जाके कूद मार दी, तो तब से ना ये अंदर जाना बंद कर दिया अलाउ नहीं। इसके अंदर जाते थे पहले घूमने के लिए, तो किसी ने ऊपर जाके कूद मार दी कुतुब मीनार से नीचे, तो तब से ये बंद कर दिया है। बस यही स्टोरी थी इसकी छोटी हुई, उनका कह रही सुना, पता नहीं कितनी बड़ी स्टोरी होगी, है ना? तो यही इसकी स्टोरी है। फोटो में तो इतना बड़ा नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन पास में आके बहुत सुंदर लग रहा है। कभी आप लोग आइए दिल्ली और जरूर इस कुतुब मीनार को देखिए। ये हमारा घर भी इसके पास ही है, छतरपुर। कुतुब मीनार के बाद ना सीधे छतरपुर आता है। ये देखिए रोज देखिए, सुंदर सुंदर हरियाली छाई है हमारी दिल्ली में भी। कौन कहता है कि दिल्ली में हरियाली नहीं है, पूरी जगह हरियाली है। देखो हमारे दिल्ली में ये बहुत है, सुंदर साफ सुथरा एरिया। नीचे से देखिए पूरा दिखा रही हूँ आपको, पास आ गई मैं इसके, अब मैं पास में आके दिखा रही हूँ आपको। बैठा हुआ ऊपर पता नहीं क्या है यहाँ पर, बाबा आदम के जमाने की इमारतें हैं सारी। हमारी बताओ क्या है, बाबा आदम के जमाने की इमारतें। एकांत माहौल चाहिए जिसको यहाँ पर आ सकता है बैठने के लिए, गप्पे लगाने के लिए। जो दुखी है यहाँ, जो लवर है, उन्हीं के लिए ये जगह, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, हम तो मस्ती वाले हैं दोस्तों। अनिता क्या कह रही, कौन आ सकते हैं बताओ?
एक तो लवर, दूसरा जो दुखिया तो बहुत जो टेंशन में है। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। ये देखो, और मैं इसके और नज़दीक आ गई हूँ, ये और मैं आपको दिखा रही हूँ। ताला लगाने तो खोल के दिखा। अंदर जाना अलाउ नहीं है, मैंने बताया अंदर जाना क्यों अलाउ नहीं है आप लोगों को, इसीलिए अंदर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन लोग फोटो खिंचा रहे हैं, हम भी खिंचाते हैं अभी। लोग आनंद ले रहे हैं, पूरा तो आ नहीं पा रहे हैं, आधा ही खिंचा रहे हैं, चारों तरफ ऐसी दीवार है। चलो अब हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या है ये भी दिखाते हैं आपको। नहीं है दोस्तों, इधर खाली दीवारें हैं, कोई नहीं। ऐसे ये चीज़ें दिखानी भी जरूरी है इन लोगों को। ये देखिए जमाने की, बाबा आदम के जमाने की दीवारें हैं, बस यादगिरी उनकी, उनकी आत्मा भी इसी में होगी। जिन्होंने कुतुब मीनार नहीं देखा देखो, और बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स करो कैसा लगा आप लोगों को कुतुब मीनार। कई जगह लोग फैले हुए हैं, सारी जगह ये जगह हम तो जा नहीं रहे, ऐसी जगह यहीं से दिखा दे रही हूँ, कह रहे क्योंकि सारी दीवारें ही हैं, दीवारें ही हैं जी। लोग थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं, वो लोग बैठ रहे हैं धूप में, आपको दिखा रही हूँ। फोटो खिंचाने के अच्छे हैं बस सर बने। ये पानी वानी का होगा ना कुछ, निकास होगा पानी। एक किले तो हमें भी समझ में नहीं आ रहे क्या है। हम तो ऐसे ही है, पुराना इतिहास है, बोलिए इतिहास गवाह है, इतिहास है ये, इतिहास इसका इतिहास गवाह है बस भाई। जिसको इतिहास पढ़ना वो यहाँ आ सकता है, हम इतिहास में नहीं पढ़, हम तो उसमें जीते हैं। क्या कहते हैं, हम है सनातन धर्म वाले, भक्ति भाव वाले, भक्ति भाव वाले, पूजा पाठ उसके बारे में पूरा हम बता देंगे। तभी कह रहे हैं इधर खाली दीवारें, खंडर, कब्रें, कुछ नहीं है। देखो मैंने कहा ना आपको हर वैरायटी का इंसान मिलेगा यहाँ पर, तो हर वैरायटी का है। ये देखिए उधर के ऐसे चलते हैं, पिलर है कहीं देखते हैं, हमें पता नहीं है। एक हिस्सा मैंने आपको पहले दिखा दिया था, अब हम दूसरी जगह आ गए हैं, तो अब मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ। दोस्तों हमारी समझ से तो परे है ये, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं है और खम्भे ही खम्भे नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग बहुत बड़े से फोटो वोटो खींच रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखो नहर से फिर आ गई, तो इनसे पूछते हैं क्या है। ये 400 साल पुराना है यहाँ पे ना, ये मुझे लग रहा कब्रें ही होंगी, पता नहीं क्या है, कुछ बोल भी नहीं सकते हम इन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ। ये लोहे का पिलर है, देखो हमें किसने बताया कि लोहे का पिलर है, वहाँ पर जाओ। दोस्तों हमारी समझ से परे है ये। लेख लिखा हुआ है, लेख हाँ इसका, यही तो कह रही हूँ। ये देखिए बता रहे हैं कि इसका इसका लेख है ये, जो ये दिखा रही हूँ मैं आपको, और इसके बारे में ना यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, जो हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लोग बड़े तसल्ली से फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर, सारे इन पिलरों में बैठ बैठ के जाके। ये गेट है उधर जाने का, पढ़ के सुनाऊँ आप लोगों को। कबूतर इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लोहे के स्तंभ पर गुप्त काल के ब्रह्मावी लिपि में संस्कृत में एक लेख लिखा है, जो इस पुराण लेख की है, दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि में भी इसका आमलक गुप्त वश के चंद्रगुप्त नामक के रूप में पहचाना जाता है। मैं दिखाती हूँ दोस्तों आपको थोड़ा बहुत, मैंने पढ़ लिया, इतना लंबा मेरे बस का तो है नहीं पढ़ना, वो लेख मैं आपको दिखाती हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। दिख रहा है क्या? देखो दोस्तों ये है वो लेख, ये रहा देखो दोस्तों, ये लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, तो इसमें कुछ पता चला, लेकिन ये लेख वही है जो मैंने आपको भी पढ़ाया ना, कि इसमें लिखा हुआ है लोहे में लेख, तो यही है वो। ये देखिए हजार साल पुराना है राजा चंद्रगुप्त, और वाकई अभी का लिख कई साल पुराना है कह रहे हैं, ये राजा चंद्रगुप्त ने लिखा है ना। ये देखिए सूर्यदेव, देखिए बीच में आपको, बीच में सूर्यदेव के दर्शन भी करा रही हूँ मैं शाम को, दिन छिपते हुए। देखो वहाँ पता नहीं क्या है, इमारत जैसी, ये सारी मुझे लग रहा है इनकी बनी है, ये कब्रें बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं भाई, डूबता सूरज। रोज तो मैं सुबह उगता दिखाती हूँ, आज मैं डूबता हुआ दिखाऊंगी आपको दोस्तों। ये देखिए कुतुब मीनार की कुछ झलकी है,
दोस्तों मैं आपको हर जगह के अलग अलग दिखा रही हूँ, आप ये मत सोचना कि एक ही चीज़ मैं बार बार दिखा दी, मैं बार बार नहीं दिखा रही हूँ चीज़, हर जगह की अलग अलग चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कुछ इस तरह का ही बना है सारी जगह पर। तो ये मैं सब दिखा रही हूँ आपको, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप मत सोचना कि हमें एक ही चीज़ बार बार दिखाई जा रही है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना दिल्ली के कुतुब मीनार के लिए। ये देखिए, ये देखिए, लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं अनिता भी कर रहे हैं, हम दो मस्त रहते हैं। ये मंदिर कह रही है कब्र मेरी है, मैं कह रही कब्र मेरी पिछले जन्म की, अपने अपने ढूंढ रहे हैं और मस्त बिंदास बिंदास हो घूम रहे हैं, बिंदास पागल की तरह हरियाली आपके बगल में, मेरी भी कहीं होगी ढूंढना बीच में सर तीन कब्रें खट्टी हैं। ये देखिए दोस्तों, पता नहीं, प्लीज कोई भी बुरा मत मानेगा, ये कब्रें ही होंगी, हमें नहीं पता इस बारे में, जो भी मैं दिखा रही हूँ हम इन्हीं का नाम दे दे रहे हैं। ये देखो सुंदर सुंदर सी हरियाली, फूल भी देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं इसमें, छोटे छोटे से, एक एक झलक तो मैं आपको फूलों की दिखाई दे देती हूँ। ये देखिए ये पीछे का एरिया दिख, लवर बैठे पीछे का एरिया दिखा रही हूँ मैं आपको। हेलो देखो दोस्तों, हमारी पहाड़ की चीज़ मैंने फिर आपको दिखा दी, उत्तराखंड देवभूमि में देखो कितनी होती है ये कांटे, और यहाँ मैंने आपको दिखा दिए फिर भी। Hello. कौन कहता कि हमारे दिल्ली में हरियाली नहीं है, ये कुतुब मीनार के बीच चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये देखो वो देखो, हाँ ये देखिए ये पेड़ के बगल में, खूब छिक्के दर्शन कीजिए, मैंने भी छिक्के कर लिए, आप लोग भी कीजिए और प्यारे इससे कमेंट्स कीजिए, और मुझे थैंक यू बोलिए कुतुब मीनार दिखाने के लिए, जिन्होंने नहीं देखा है, जो मेरे ब्लॉग के उससे देख रहे हैं, इनको समझा रहे हैं और इनको बताने के गाइड हैं ये, और इनको करके कितने पैसे वसूल कर लेते हैं लोग गाइड को। ये भाषा है सर, कुतुब मीनार मेरे को उधर भी खड़े हैं कुछ लोग। सुंदर सुंदर रोज गिफ्ट देने के लिए, कोई पकड़ा सकता है एक दूसरे को। ये फूल भी मैं आपको इतने कितने सुंदर दिखा दूं, ये कहां गए हम, सामने वाला कर रहा हूं, यूं ही साथ साथ चलते आगे में है, ओ पपिया ले रहा अगल पागल किसी ने देखा जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, बहुत उल्लड़ी उल्लड़ी ओ आगे आगे क्या है, मौत क्या है, मौत आनी है आएगी जरूर, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाह वाह पहले देख के हंस रहे हैं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कई लोग हमें देख के हंस भी रहे हैं कि ये देखो तो पागल है कहाँ से आई, पर कोई नहीं, सब चलता है बनता है, हम ऐसे ही हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं, हमारा काम यही है। नहीं हमें देख के कोई खुश हो जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई हो नहीं सकता। भगवान की भक्ति भी आपको दिखाते हैं, पूजा पाठ भी दिखाते हैं, हम दो जोकर हैं, अगर चार लोग हंसते हैं हम पर तो हंस दे, है ना, हम तब भी खुश हैं, हम तब भी खुश और मोटे हो जाएंगे हम, और क्या, अरे फूल रहे हैं देखो, ये देखो इससे निकल रहे हैं, मैं निकलूंगी, हाँ जाओ आप निकलो, कहाँ जा रही हो, इसको लांग के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है जाओ। ये अब मैं जा रही निकल के, ये देखो डर भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पार्क सुंदर है, काफी लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये हमारे पहाड़ों में भी होता है फूल बहुत सारा, याला हाँ तो मीनार के पीछे का जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल, घास ही घास, हर जगह से मैंने आपको लोकेशन दिखा दी कुतुब मीनार की, हर जगह से चारों तरफ घूम के मैंने आपको दिखा दिया, यही फाइनली कुतुब मीनार है दिल्ली का, सब जगह से सब एरिया से मैंने आपको दिखा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आप कुतुब मीनार को,
और यहाँ का जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। प्यारे प्यारे से लोकेशन है और कहीं पर कब्र बनी है वो भी मैंने आपको दिखा दी, और जो लिखा हुआ था जिसके बारे में जो था मैंने सारा आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों प्लीज बढ़िया कमेंट्स करें। गड्ढे के रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं इतने दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उतने दिल छोड़ आया, और जब निकला अमृतसर तब जाने लाहौर आया, मैं उतने दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उतने दिल छोड़ आया। दोस्तों देखो हम लोग ऐसे मौज मस्ती कर रहे हैं, और ये दिखाते हैं आपको, पता नहीं किस बात में का डिस्कस चल रहा है, खाते पीते डिस्कस कर रहे हैं आपस में, बहुत गहरे डिस्कस में हैं, पता नहीं किस बात में कर रहे हैं। दिखा दिए मैंने आपको भी, और खा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं मौज मस्ती। चला नीरा चलो, तो हम लोग जाने लग गए घर को, सारा कुछ देख लिया हमने, है ना नीरा, और घूम लिया आपने, घूम लिया, निकलते हैं घर की तरफ। अब वापस अब हम चलते हैं अपने घर को, फिर अच्छा, मिलेंगे तो हम अब चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगे, जो मेरा तो नहीं तेरा तो कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, बाय बाय। दोस्तों ये गाना हमने इसलिए गाया क्योंकि हमने कुतुब मीनार देख के विदाई ले ली है, तो हम ये गाना गा रहे हैं, और हम पहुँचते हैं घर अपने, और टाइम से पहुँच गए, एक डेढ़ घंटे में हम आराम से घूम घाम के 6 बजे हम घर को वापस निकल गए, है ना, 4:30 बजे हम आए और 6 बजे वापस। हमारी मस्ती इतनी होती है, एक एक घंटे की मस्ती, उसमें ही हम सबको खुश रख लेते हैं, और हम अपने टाइम पर घर पहुँच जाते हैं, बनाने के लिए 1 घंटा काफ़ी है, और अपने टाइम पर घर पहुँच जाते हैं ना, काम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। तो चलिए, कभी आपको कीर्तन की मस्ती कराई, कभी भजन की मस्ती कराई, कभी कान्हा जी के नाम की मस्ती कराई, आज कुतुब मीनार की मस्ती करा दी, ऐसे ही हैं हम, फायदे में रहोगे हमारे साथ मिलकर, फायदे नाल रहोगे मेरे को कह रही है ये कि ऐस करेगी मेरे साथ रहेगी, ऐश करोगे जो हमारे साथ रहेगा वो खुश रहेगा, ऐश करेगा मस्त रहेगा। एक नई चीज़ लिया आज, बचपन याद किया हम लोगों ने अपना, और बहुत टाइम से दिखा, तो हमने कहा क्यों ना आज बचपन को याद करना, नहीं था क्या है, क्या बोलते इसको, बुढ़ी के बाल, हम तो इनको बुढ़िया के बाल बोलते थे, बुढ़ी के बाल, और आप लोग बताना कि आपकी भाषा में इनको क्या बोलते हैं, ये देखिए पहचानिए, नहीं मंजू आपकी बुढ़ी के बाल ये पिंक वाले होते हैं, और आप लोग बताना इन्हें क्या बोलते हैं कमेंट्स करके, और हमारे में इनको बुढ़ी बाल लेते हैं बोलते हैं, तो हमने भी ये खरीद लिए, और खाते इनका स्वाद लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बुढ़ी के बाल को दो करते हैं। अच्छा दो हैं ये, ओहो दो हैं, तभी तो 20 के लिए हैं ये दोस्तों, ये हमने 1 रुपये में 2 रुपये में लेते थे, आज हमने 20 के लिए हैं, 20 रुपये के, 1-2 रुपये के, हाँ और 20 रुपये के लिए, बताओ ये तो खाते हैं, यहाँ ताज़ा कर ली बचपन के, आज ठीक है खाते हैं हम लोग, खाओ बैठो 2-3 दवाई बैठो। दोस्तों फाइनली कुतुब मीनार देख के घर आ गए, मैंने भी देखा आपको भी दिखाया, तो बड़ा मज़ा आया और बहुत मौज मस्ती की, मैंने और नीता ने हम दोनों ही थे, लेकिन हमने खूब इंजॉय किया, खूब मौज मस्ती करी, और आपको मैंने दिखाई दिया है कि हमने क्या क्या किया है, तो प्लीज़ दोस्तों बढ़िया से कमेंट करके बताना, हम लोगों के लिए भी करना, कुतुब मीनार के लिए भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिसने कुतुब मीनार ना देखा हो वो भी थोड़ा बहुत मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख पाएँ, और कभी दिल्ली आओ तो कुतुब मीनार ज़रूर आना, और कुतुब मीनार के पास ही हमारा घर है छतरपुर मंदिर, तो छतरपुर मंदिर भी काफ़ी फेमस है, वहीं पर हम लोगों का घर भी है, तो उसको भी देखने आना। तो अब मैं रखती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर ही, और कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग, नई तरंग और नई ताज के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्रीमन नारायण।